समय के इस अनंत चक्र में ब्रह्मांड का संतुलन सदैव अनिश्चित रहता है, जैसे अंधकार और प्रकाश के बीच, दुख और सुख के बीच, बुराई और भलाई के बीच, असुरों और देवों के बीच। असुरों का अंतिम शासक महान शूरवीर तारक ब्रह्मांड पर राज करना चाहता था। वो युद्ध हार गया और उसकी मृत्यु के साथ ही असुर राज्य नष्ट हो गया। कुछ असुरों का मानना था कि तारक की मृत्यु केवल देवताओं की त्रिमूर्ति ही रच सकती थी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, संरक्षक विष्णु और विनाशक शिव। तारक के प्रिय मित्र महान असुर शिल्पकार और जादूगर माया ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया। उसने तारक के तीनों पुत्रों के जीवन की रक्षा की। उन्हें अपने साथ ले वो जलते हुए असुर राज्य से भाग निकला। उजाड़ चट्टानों के बीच उसने राजकुमारों का पालन पोषण किया एवं जादू की भी प्रारंभिक शिक्षा दी और उन्हें समस्त कलाओं में निपुण किया। उन्हें सदाचार की ओर प्रेरित करने की आशा में उसने उनमें शिव के प्रति अपार निष्ठा की भावना भरी। ओम शांति शांति शांति। तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्मले, तुम सब जाकर दर्शन शास्त्र का अध्ययन करो। मैं तुम्हें प्रार्थना की बात मिलूंगा। माया ने ही स्वयं उन्हें शिक्षा दी, किंतु तब भी उसे सदैव ये भय लगा रहता कि उनकी असुर प्रवृत्तियां किसी दिन भी जाग सकती हैं। हे शिव, मुझे बुद्धि और साहस दो ताकि मैं इन तीनों राजकुमारों को उनकी नियति तक पहुंचा सकूं। पूरे 60 पग, एक भी अधिक नहीं। आपने गणित कर लिया? हाँ, किंतु ढलान सीधी होनी चाहिए। आपको विश्वास है ना? किस बात पर विश्वास? अगर आपको विश्वास है तो मैं तैयार हूँ। और तुम? शाबाश, मैं छोर पर प्रतीक्षा करूंगा और तुम विद्युन्मली को पहाड़ी से धकेलो। हाँ, विद्युन्मली को धकेलूं पहाड़ी से? चिंता मत करो, हमने गणित कर लिया है। जब तक ये वाहन चट्टान की छोर तक पहुंचेगा ये गति पकड़ चुका होगा, तब हम उस मुद्रा का प्रयोग करेंगे जो चाचा जी ने हमें सिखाई है, ये वाली। अब ढकेलो। अरे पर रुको रुको रुको। नहीं, बस धक्का दो। किंतु चाचा जी ने कहा था। ओहो, हम उनकी पूजा समाप्त होने के पहले लौट आएंगे, समझा ना? किंतु अब चलो, हम पहले किसी सुरक्षित जगह पर अभ्यास क्यों ना कर ले। रहने भी दो। सहायता करो कमलाश, ये मेरे नियंत्रण से बाहर जा रहा है।
नियंत्रण में आओ विद्युन। मुझे उसका आभास भी नहीं हो रहा है। विद्युन, विद्युन! मैं तुम्हें पकड़ लूंगा पंछी। विद्युन! क्या वो दिखाई दे रहा है? वो रहा। कमलाक्ष, हमें विद्युन को बचाना होगा। हम ऊंचा क्षेत्र को पुनः कैसे प्राप्त करें? प्रयास करो। मैं हार नहीं मानूंगा। नियंत्रण छूट गया। नहीं, नहीं। बेटा, भैया। मैं नीचे गिरते ही फिर जाऊंगा। मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तो बच गया। चाचा जी। चाचा जी, चलो मेरे साथ। चाचा जी, हमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें क्षमा कर दीजिए। उसे चोट लग सकती थी। वो मर सकता था। दंड मुझे मिलना चाहिए। योजना मैंने बनाई थी। मुझे क्षमा कर दीजिए चाचा जी। पानी, खाना। विद्युन, क्षमा चाचा जी। ज्ञान चाहे कितना भी हो, बुद्धिमत्ता के बिना उसका उपयोग संकट का कारण बन सकता है। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए। असुरों के राजकुमार होने के नाते उनकी सुरक्षा तुम पर है, जैसे तुम्हारे पिता तारक पर थी। तीनों लोकों पर राज करने की इच्छा में वो अंधा हो गया और एक के बाद एक युद्ध करता रहा और जीतता रहा। उसकी असीमित साम्राज्य प्राप्त करने की भूख ने पूरे विश्व के संतुलन को बिगाड़ दिया और उसे पुनः संतुलित करने का मोल हम सबको चुकाना पड़ा। चाचा जी, हमें पिताजी के विजय के बारे में और बताइए ना। जो राजा केवल शक्ति के पीछे भागता है, वो अपनी प्रजा का भी विनाश कर देता है, और ये कोई गर्व की बात नहीं है। उसके पश्चात कुछ वर्ष असुर इतिहास के सबसे बुरे वर्ष थे। हमने घर त्याग दिए, पहाड़ों में शरण ली और गुफाओं को अपना घर बनाया। मुझे आशा है कि एक दिन तुम तीनों असुर प्रजा को शांति एवं समृद्धि भरा जीवन दो। चाचा जी, हमारा जीवन आपकी देन है। हम जो भी हैं आपके कारण हैं। आपकी इच्छा हमारी भी इच्छा है। हाँ चाचा जी, आप बस हमें आदेश दीजिए। मैं असुरों के लिए एक नया नगर बनाना चाहता हूँ जिसपे तुम तीनों शासन करोगे। वाह, पर तीन राजा और एक नगर। शांत विद्युन, सच तो बोल रहा हूँ। चाचा जी, इसे क्षमा कर दीजिए। इससे पहले कि हम इस महान कार्य का प्रारंभ करें, आप लोग भगवान ब्रह्मा का आशीर्वाद प्राप्त कर लें। यदि वो प्रसन्न हो गए तो असुरों का जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। बताइए चाचा जी, हम ब्रह्मदेव का आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें? अपने अंतर्मन पर पूरी तरह नियंत्रण पाकर। किंतु अंतर्मन को नियंत्रित करने से पहले देह को नियंत्रित करना आवश्यक है। इसके बिना वर्षों का कठिन परिश्रम हवा के एक झोंके से नष्ट हो जाएगा। पीड़ा, अपनी साधना की अवधि में तुम्हें अत्यंत कठिन शारीरिक यातना को सहन करना होगा। किंतु साहस मत खोना। पीड़ा मात्र एक मानसिक अवस्था है। विजय पालो इस पर। भूख, प्यास, तुम्हें इन मूलभूत आवश्यकताओं को वश में करना होगा।
प्रारंभ में तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा, किंतु धीरे धीरे तुम्हारी मानसिक शक्ति इन सब दुखों पर विजय पालेगी और अंत में श्वास। जब तुम अपने शरीर की सबसे प्रमुख क्रिया को नियंत्रित कर लोगे, तब तुम्हें आभास होगा कि तुम ब्रह्म में विलीन होने के लिए तत्पर हो। आदियोगिनाथ्यं सप्तर्षिभ्यो बोधितं अतिश्रेष्ठं इदं। तुम्हारी शिक्षा संपूर्ण। ब्रह्म का वरदान प्राप्त करने के लिए युवा राजकुमारों ने शिव की चोटी पर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वो विशाल पर्वत उनके मन मस्तिष्क में भरे उसे शब्द जुटा। प्रसन्न हो, जागो, अपने अस्तित्व में आ जाओ राजकुमारों। मांगो, क्या मांगते हो? आपके दर्शन ही हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान है, हे सृष्टि रचयिता। तुम्हारे मन में इच्छा है, उसे प्रकट करो पुत्र। आप सब जानते हैं प्रभु, असुर लंबे समय से जंगलों में भटक रहे हैं। उनकी इच्छा है कि वो पुनः एक साथ मान सम्मान का जीवन जिए। तथास्तु, तुम सब एक भव्य एवं नए राज्य में समृद्ध जीवन जियोगे। एक ऐसा अद्भुत राज्य जिस पर तुम्हारा शासन होगा। एक? तीन भाइयों के लिए एक राज्य प्रभु? तीन राज्य, तीन भाइयों के लिए तीन राज्य। त्रिपुरा इन नगरों के निर्माण माया करेंगे और पांचों तत्व स्वयं उसकी सहायता करेंगे। तारकक्ष, मेरी प्रार्थना है कि ये तीनों राज्य कभी नष्ट ना हो प्रभु। ये संभव नहीं। जिसकी भी सृष्टि हुई है उसका अंत निश्चित है, किंतु तुम एक वर मांग सकते, इसके नष्ट होने की विधि चुन सकते हो। तो प्रभु, मेरी विनती है कि ये तीनों राज्य केवल तभी नष्ट हों जब एक ही बाण उन तीनों को एक साथ भेदे। तुम्हारा चुनाव उत्तम है राजकुमार। जाओ और कुशलता पूर्वक शासन करो, अपने लोगों को समृद्ध बनाओ। तुम्हारे राज्य किसी भी दशा में परस्त नहीं होंगे, किंतु स्मरण रहे, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अंदर होता है, उन पे नियंत्रण रखना। अब जाओ, प्रजा प्रतीक्षा कर रही है, त्रिपुरा प्रतीक्षा कर रहा है। केवल एक ही बाण? ऐसा बाण मात्र एक ही व्यक्ति चला सकता है, भगवान शिव। हाँ, और हम उनके सबसे प्रिय उपासक के शिष्य हैं, अर्थात हम अजयी हैं। हम भाग्यशाली हैं। और वैसा ही हुआ जैसा ब्रह्म ने कहा था। माया की इस महान रचना में सभी तत्व स्वयं ही आकर जुड़ने लगे।
ने बनाए 3 अद्भुत नगर जो कहलाए त्रिपुरा, और आरंभ हुआ असुरों का एक नया युग। त्रिपुरा के कारण देवलोक में बड़ी उथल पुथल मची। देवराज इंद्र, असुरों की शक्तियां तारका के समय से दुगनी हो गई है, अब हम क्या करेंगे? शांत हो जाइए देवगण, हम सब इस ब्रह्मांड के रक्षक हैं, हमें शांत रहना चाहिए। पर देवराज, शक्ति उन्हें भ्रष्ट कर देती है और ये आप जानते हैं। देवराज, असुर प्रवृत्तियों पे नियंत्रण रखना आवश्यक है। लोभ, अहंकार, क्रोध, उत्तेजना, दंभ, सबका मूल अहम है जो असुर बुद्धि को वश में कर लेता है। माया तो ऐसा नहीं है देवराज, माया एक अपवाद है। संभव है कि उसके शिष्य भी वैसे ही हो, किंतु वो तारका के पुत्र हैं। हमें सावधान रहना चाहिए। यदि कभी हमें उनसे युद्ध करना पड़े और माया ने अपने शिष्यों की सहायता की तो हमारे लिए घोर विपत्ति आ सकती है। संभव है कि हम पराजित भी हो जाएं। अग्नि, आपकी ये असुरक्षा की भावना उनके और आपके बीच का भेद मिटा देती है। आपको वो डर और दुख भरे दिन याद नहीं? छिप कर भी युद्ध करते रहे हम लोग, कितना कठिन समय था। हम कुछ नहीं भूले, असुरों की शीघ्रता से बढ़ती शक्तियां देखकर पहले हम भी विचलित हुए थे। ब्रह्मा का प्रताप है। इसलिए हमने एक योजना बनाई बिना आपकी सहमति के। सहमति? किस विषय में? हमने उनके बीच एक गुप्तचर भेजा। गुप्तचर? सप्त। ये अनुचित है, आप इस प्रकार गुप्तचर नहीं भेज सकते। उसकी सूचनाएं उपयोगी साबित हुई हैं। वहां जो भी हो रहा है वो स्वयं उसका साक्षी है। अति सुंदर, अद्भुत है ब्रह्म की लीला। देवराज इंद्र, जो मैं यहां देख रहा हूं मैंने कभी कहीं नहीं देखा। माया की ये रचना उत्कृष्ट है, अवर्णनीय। ऐसी समृद्धि तो तारक के समय में भी नहीं थी। दादाजी, इसीलिए कृतज्ञ असुर प्रजा ने तीनों राजकुमारों के लिए एक भव्य राजतिलक का आयोजन किया। एक ऐसा समारोह जो त्रिपुरा के राजकुमारों की प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। विद्युन्मली को सबसे नीचे बसी लोहे से बनी नगरी का राजा बनाया गया, कमलाक्ष को बीच में बसी चांदी से बनी नगरी का, और तारकाक्ष को सबसे ऊपर बसी सोने से बनी नगरी का। मुझे ये कहते माया हुए के लिए ये अति प्रसन्नता का अवसर था। तुमने देखा, चाचा जी अभी मुस्कुराए। असंभव, मैं सच कह रहा हूँ। हाँ, मैंने भी देखा। मैंने नहीं देखा। अपने कार्य के समाप्त हो जाने पर ये महान शिल्पकार अब अपना समस्त समय साधना और तपस्या में व्यतीत करना चाहता है, और इससे मुझे स्मरण हो आया उसकी सबसे अनुपम कीर्ति का, भगवान शिव का मंदिर जो स्वर्ण नगरी में स्थित है। स्वतिक से बना ये शिवलिंग आकर्षक एवं सम्मोहक है, स्वयं भगवान शिव के वरदान से ओतप्रोत। लगता है मानो शिव स्वयं उसमें बसते हों साक्षात। मंदिर के बीच से बहता शिवलिंग का जल सबके लिए उपलब्ध है, सुना है ये सारे पाप धो देता है। माया ने असुर प्रजा की सुरक्षा के सारे प्रबंध किए हैं। तो यदि असुर इसी प्रकार शांति से रहते हैं तो संभवतः ये आपसी प्रेम के एक नए युग का आरंभ होगा। बिना परिश्रम असुर व्यसनी हो गए, हाथ पैर हिलाए बिना इतनी सुख सुविधाएं मिले तो किसकी मति भ्रष्ट न होगी। विजेता है कदासुर, एक अजय प्रतिद्वंदी, सभी देव मिलके भी जिसे ना जीत पाए। अच्छा, जिसे कोई चुनौती ना दे सके। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। वाह, किसी ने चुनौती दी है।
योद्धा तैयार है? ये योद्धा है। आप शायद भूल गए हैं कि असुर योद्धा कैसे होते हैं। हाँ, राजा विद्युन्मली, हमें बहुत प्रसन्नता है कि आप यहाँ आए। आप कुछ लेंगे, जलपान या फिर लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। तुम सबको लज्जा आनी चाहिए मिट्टी के शेरों की प्रशंसा करते हुए। एक समय था जब असुर अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कहाँ गई हमारी वो वीरता? ये है तुम्हारी वीरता? कैसे बचाव करोगे तुम इस राज्य का यदि इस पर आक्रमण हो जाए? किंतु उसकी आवश्यकता ही क्या है? त्रिपुरा तो अनश्वर है। पर तुम नहीं हो। तुम्हारे असुर स्वभाव के अनुसार तुम निष्क्रिय नहीं बैठ सकते। तुम्हें कुछ करना चाहिए। तुम सब सूर्योदय से सूर्यास्त तक प्रशिक्षण लोगे और पूर्णिमा की रात हम ब्रह्मांड में अपनी प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करेंगे। एक एक करके सभी साम्राज्यों पर विजय प्राप्त करो। हम असुरों की प्रतिष्ठा पहले धरती, सागर और देवलोक पर भी स्थापित करेंगे। अब हम क्या करेंगे देव? अनुचित करने की इच्छा रखना और वैसा करने में अंतर है। किंतु देव, वो युद्ध भी कर सकते हैं। आशा करो कि वो दिन कभी ना आए। माया उन्हें कभी ऐसा नहीं करने देगा। किंतु यदि ऐसा हुआ तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। अपना ध्यान रखना सप्ता और इसी प्रकार कार्य करते रहना। ये कहना उचित होगा कि असुरों के दुस्साहस से इंद्रदेव चिंतित हुए, और जब इंद्रदेव चिंतित होते हैं वो भगवान श्री विष्णु को याद करते हैं। प्रणाम देवराज इंद्र। देवलोक में सब कुशल मंगल है ना? नहीं प्रभु, तारका पुत्र धरती के राजाओं के साथ युद्ध करने की योजना बना रहे हैं, संभवतः देवलोक के साथ भी। क्षमा करना इंद्र, मैं सहायता नहीं कर सकता। विष्णुदेव, आप नहीं होंगे तो असुर प्रलय मचा देंगे। उनके विरुद्ध कुछ भी कर पाना असंभव है जिन्होंने शिव को प्रसन्न किया। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे लिए युद्ध करें, किंतु सहायता का कोई तो मार्ग, कोई तो उपाय होगा। शिव के साथ असुरों का संबंध बहुत दृढ़ है इंद्र। तो क्या इसे किसी प्रकार अदृढ़ किया जा सकता है? हो जाएगा स्वयं ही यदि वो इसी राह पर चलते रहे। परंतु उसमें बहुत समय लगेगा, बहुत विलंब हो जाएगा। किंतु यदि हम ये संभव है इंद्र, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखिए। धर्म, धर्म। स्वामी मोहिन, असुर प्रजा को आपके उपदेशों की आवश्यकता है। उपदेश? और इस साधु से? भगवान, ये निर्बल हमारी क्या सहायता करेगा? मेरे कई नाम हैं, पर निर्बल उनमें नहीं। ये हमारी सहायता किस प्रकार करे? दर्शन शास्त्र की शक्ति की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। जो किसी को मार मार के अपना दास बना ले निश्चय ही शक्तिशाली है, किंतु वो जो अपने विचारों से किसी को बस में कर ले सबसे शक्तिशाली है। निसंदेह स्वामी मोहिन, निसंदेह। इंद्र, स्वामी मोहिन त्रिपुरा में उपदेश देंगे और असुरों के
विश्वास पात्र बनेंगे। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बलिदान नहीं है, भोग ही योग। रुकिए स्वामी मोहिन, रुकिए। हमने कहा आप त्रिपुरा में उपदेश देंगे, न कि यहाँ, न ही इस समय। क्षमा कीजिए प्रभु, वाणी ही वो सूत्र है जिससे भ्रम के उपदेश असुरों को दीजिए स्वामी, असुरों को। जाइए और उन्हें उनके बंधनों से मुक्त कीजिए। और इस प्रकार जन्म हुआ मेरा, अर्थात मोहिन का। विष्णु की सांस से उत्पन्न होकर मैं त्रिपुरा का भाग्य लिखने अपनी भूमिका निभाने चला। शीघ्र मिलेंगे विद्युन। प्रणाम भैया। आप सकुशल है ना? जी हाँ, धन्यवाद श्रीमान, कृपा करके मुझे उनसे बचाइए। किन से महानुभाव? उनसे महाराज, देवलोक के सैनिक। देव आपके शत्रु क्यों हैं स्वामी जी? वो मुझे पसंद नहीं करते। अब आप सुरक्षित हैं स्वामी जी। वैसे वो आपको पसंद क्यों नहीं करते? ओ क्या बताऊं, उन्हें मेरे विचार अत्याधुनिक लगते हैं। भय होता है उन्हें मेरे विचारों से, कांप उठते हैं मेरे नाम से। क्षमा कीजिए स्वामी जी, किंतु बात यह है कि आपसे भय तनिक आश्चर्यजनक है। आश्चर्य तो मुझे भी होता है। धन्यवाद, स्वादिष्ट है। स्वामी जी, ऐसे कौन से विचार हैं आपके जो देवों को भयभीत करते हैं? जानने के इच्छुक हो? जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण है, एक नया दर्शन शास्त्र जो उनके स्वार्थी परंपराओं के विरुद्ध है। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। जी स्वामी जी। समय आ गया है असुरों को चेतावनी देने का। इस यज्ञ से एक दानव को उत्पन्न कीजिए जो ये अति महत्वपूर्ण कार्य कर सके। या तो ये उन्हें नियंत्रण में रखेगा या सत्य उगल पाएगा। कितनी बुरी गंध है इसकी। अब निश्चित ही उन्हें इससे संदेश प्राप्त हो जाएगा। मेरे शस्त्र लाओ, मैं इसका वध करूंगा। किंतु महाराज, इस धुएं में दानव कहाँ है ये बताना कठिन है, और धुआं त्रिपुरा के चारों ओर फैला हुआ है। हम उसके नेत्रों को लक्ष्य बनाएंगे। रुको वीर, ये छल है, देवों का छल। इसका सामना केवल माया ही कर सकता है। चाचा जी, हम जा कहाँ रहे हैं? इस शक्तिशाली शस्त्र की रचना मैंने त्रिपुरा की सुरक्षा के लिए की थी। भगवान शिव के तीसरे नेत्र पर आधारित इस अस्त्र में शिवलिंग की ऊर्जा व्याप्त है। महाराज, हमें पीछे हट जाना चाहिए, ये असंभव है। कभी नहीं। ये क्या हो रहा है चाचा जी? जागृत करने पर ऊर्जा इसमें भर जाती है और संचालक की ऊर्जा भी इसमें सम्मिलित हो जाती है। इस समय ये मेरी इच्छा और ऊर्जा भी चल रहा है। इसका उपयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाए तो सुरक्षित है, किंतु आक्रमण के लिए हुआ तो ये ब्रह्मांड का संतुलन नष्ट कर देगा। इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। वाह, बहुत ही उत्कृष्ट अस्त्र है। आपने कभी इसके बारे में हमें बताया नहीं। ये दानव कुछ भी नष्ट नहीं कर रहा,
ये मात्र देवों की ओर से दी गई एक चेतावनी है। महाराज राजा विद्युन्मलि के कुछ सैनिक हमारे शरण में आए हैं। वे इस धुएं के दानों से लड़ रहे थे। यानी कि विद्युन्मलि, कहाँ है वो सैनिक? मुझे उनके पास ले चलो। इसमें तो बहुत समय लग रहा है। हाँ, ये धीरे धीरे जागृत होता है, संचालक की एकाग्रता पर निर्भर करता है। आक्रमण! प्रतीत होता है उसका निशाना चूक गया चाचा जी। मुझे एक भिन्न प्रकार का प्रयास करना होगा। ये अग्नि अस्त्र तो बहुत ही शक्तिशाली है, परंतु विद्युम कहाँ है? कुछ नहीं होगा विद्युन। सच कहा भैया। ओम नमः शिवाय। वो पर्वत के पास नहीं पहुंचना चाहिए, नहीं तो अस्त्र की सीमा से बाहर हो जाएगा। आक्रमण! आसमान से टपके एक स्वामी जी। हमारी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। ये सब शिव की महिमा है। मुझे भी इसका प्रयोग करना सिखाइए। अवश्य, समय आने पर। अभी तो मैं हूं। मेरा संदेश सही था। इनके पास एक विनाशकारी अस्त्र भी है, किंतु अभी तक उसका प्रयोग केवल माया जानता है। स्वागतम देवराज इंद्र। धन्यवाद बौना, मैं भगवान शिव से मिलने। मैं जानता हूँ। आगे बढ़िए और समस्या उनके सामने रखिए। वो जो देवों के देव महेश्वर है, वो महायोगी शिव। महादेव, हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। तारका के पुत्र युद्ध की योजना बना रहे हैं। प्रभु, त्रिपुरा में कोई गुप्ताचार आपने भेजा? ये सब मेरे कारण हो रहा? हाँ, आपने इसमें अपने विचार डाले हैं। वो इसलिए क्योंकि उनकी प्रवृत्तियाँ हिंसक हैं, और आपकी सुरक्षा में होने से त्रिपुरा अनश्वर है। प्रभु, कृपया सहायता कीजिए। आपकी सहायता विष्णु देव कर चुके हैं। प्रस्थान करने से पहले आपका आशीर्वाद चाहता हूं। देवराज, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, सदैव की भांति। यदि असुरों ने युद्ध छेड़ा तो आपकी सहायता के लिए मैं महायोद्धा नंदी को भेजूंगा। मैं आपका आभारी हूं। प्रणाम। हम पर आक्रमण किया गया एक भयानक दुष्ट दानव के द्वारा, किंतु जिस दानव की बात मैं कर रहा हूँ वो नहीं जिसे आपने देखा।
मैं बात कर रहा हूँ ईर्ष्या के दानव की। जब से त्रिपुरा की रचना हुई है, इसने देवों के मन की शांति को चूर 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 करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उनके पास ब्रह्मांड पे शासन करने का अधिकार है, किंतु वो साधारण अधिकार नहीं जो आप असुरों के पास है। असुरों के पास स्वतंत्रता है, उनके कोई कर्तव्य नहीं, धर्म की अनावश्यक मांग नहीं। और ये धर्म है क्या? मन जो कहता है वही धर्म है, और असुर अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए स्वतंत्र है। उसकी जो भी इच्छा है वो उचित है। असुर जनों, अपने आप को जानो, अपने असुर रक्त का प्रमाण दो। त्रिपुरा की जय हो। त्रिपुरा अमर रहे। स्वामी मोहिन अमर रहे। स्वामी मोहिन अमर रहे। स्वामी मोहिन अमर रहे। आप पूछते हैं उस महान ईश्वर को, आप में से किसी ने उसे देखा है? विश्वास है उसके अस्तित्व पर मैं जानता हूं उसका अस्तित्व है, क्योंकि उसके पुत्र ने आपके राजा तारक की हत्या की थी। के पुत्र ने हत्या की थी? आपको बताया नहीं? तुम्हें चेतावनी दी गई थी, किंतु ये तुम्हारा दोष नहीं, अहंकार अंधा होता है। कौन हो तुम? कार्तिकेय शिवपुत्र। ये सत्य है। चाचा जी, क्यों आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? तारका ने वरदान मांगा था कि उसकी मृत्यु केवल शिव के पुत्र के हाथों हो। उसने सोचा भगवान शिव शंकर तो योगी हैं, उन्हें कभी संतान नहीं होगी, और इसलिए उसने फैलाया आतंक। असुर राज। हाँ, किंतु इसमें गर्व की कोई बात नहीं। ऐसा आपको लगता है? क्या आपको कभी असुर होने पर गर्व रहा है चाचा जी? आपने जो हमारे लिए किया उसके कारण मैं आप पे दया करूंगा और मंदिर को नष्ट नहीं करूंगा, जबकि असुर प्रजा यही चाहती है। किंतु त्रिपुरा के राजा होने के नाते हम यहाँ शिव की आराधना पर प्रतिबंध लगाते हैं। आज से मंदिर में कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। महाराज, देव सैनिक स्वामी मोहिन पर आक्रमण कर रहे हैं। कहाँ? मंदिर के प्रांगण में महाराज। प्रिय असुर जनों, चिंता मत करो, मेरा समय आ गया है, मैं शांति से जाऊंगा। वही तो हम आपसे विनती करते हैं स्वामी मोहिन, शांति से हमारे साथ चलिए। स्वयं इंद्र? बंदी बना लो स्वामी को और चलो। कोई इनकी सहायता कीजिए, चले जाओ। मेरे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। इन्हें छोड़ दो। देवगण शीघ्र चलिए। इतनी भी क्या शीघ्रता इंद्र? हम तुमसे युद्ध करने नहीं आए तारकाक्ष, इस दुष्ट को ले जाने आए हैं। त्रिपुरा की धरती से तुम किसी को नहीं ले जा सकते। अपने देवों को एकत्रित करो और चले जाओ, इससे पहले कि असुरों का क्रोध जागे और तुम सब नष्ट हो जाओ। मेरे विचार में इनका कहा मानना ही बुद्धिमानी होगी इंद्र। असुरों की शक्ति, शौर्य और उनके क्रोध के सामने तुम देव कुछ भी नहीं। स्मरण रहे, हमने तुम्हें सावधान किया था। अब जाओ देवो, अगले प्रयास के लिए शुभकामनाएं। और आपको भी स्वामी मोहिन। धन्यवाद, आपने मेरे जीवन की रक्षा की महाराज। हमें प्रसन्नता है कि हम समय रहते पहुंच गए। इस बार तो देवों ने अपनी सारी सीमाएं पार कर दी। आप चिंता मत कीजिए, हम त्रिपुरा के इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेंगे, अवश्य लेंगे। त्रिपुरा की जय। त्रिपुरा की जय। त्रिपुरा नरेशों की जय। मेरा अनुरोध है कि आप हमारे काम में हस्तक्षेप ना करें। इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है,
परंतु हम इतिहास को नहीं दोहराएंगे। देवों ने त्रिपुरा में गुप्तचर भेजा है, उन्होंने कभी आप पर विश्वास नहीं किया, एक क्षण के लिए भी नहीं। श्रीमंत माया, असुर लंबे समय उपरांत युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, कृपया उनका मार्गदर्शन कीजिए। नहीं, यह संभव नहीं। वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी प्रजा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए तैयार रहें। किंतु श्रीमंत माया, उसकी क्या आवश्यकता है? त्रिपुरा तो अनश्वर है। कदाचित अब ऐसा न रहे। किंतु आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। आज्ञा दीजिए श्रीमंत। प्रिय देवो, हम आपसे एक प्रामाणिक युद्ध करने का आह्वान करते हैं। स्मरण रहे, युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात हम पीछे नहीं हट सकते। असुर बलशाली हैं और वो किसी भी स्थिति में किसी भी प्रकार से विजयी होना चाहेंगे। वे तो केवल युद्ध करना चाहते हैं, जबकि हम ब्रह्मांड की शांति के लिए युद्ध कर रहे हैं। और ब्रह्मांड के रक्षक होने के नाते हमें देवलोक की मर्यादा का पालन करना है। हमें उनसे कोई घृणा नहीं, भले ही वो स्वयं को हमसे शक्तिशाली प्रमाणित करने के लिए युद्ध करना चाहते हो। आइए प्रार्थना करें। सत्यमेव जयते। तो देवों का शिविर इस पहाड़ी पर है। अच्छा है, हमें उन्हें सागर की ओर खदेड़ना है, मात्र इतनी ही दूर कि वो अस्त्र की सीमा में हो। उसके पश्चात शेष कार्य वो नेत्र करेगा। आप उसका प्रयोग करना जानते हैं? चाचा जी ने आपको सिखाया? नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। एक अच्छा शिष्य गुरु के ना सिखाने पर भी सीख लेता है। आप सर्वश्रेष्ठ है भैया। अब दूसरी योजना भी सुन लो। ठीक है। ये दूसरी योजना क्या है? हमेशा एक दूसरी योजना होती है। ये युद्ध एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा। विनाश का दिन, मृत्यु का दिन, युद्ध का दिन। हम चाहते हैं कि तुम विनाश के मार्ग को त्याग विश्व में शांति बनाए रखो। क्यों डर लग रहा है हमसे इंद्र? क्रोध को त्याग कर शांति को अपनाना दुर्बलता की पहचान नहीं, केवल शक्तिशाली पुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। एक भयभीत व्यक्ति ही ऐसा कह सकता है। शब्दों से नहीं, अस्त्रों से लड़ो। शीघ्र ही जान जाओगे। ये अस्त्र तो वही है। असंभव। मार दीजिए उसे भैया। से मार दिया, हम विजयी हुए। घायल योद्धा पर वार नहीं किया जाता क्या भैया? आप भी ना। और तुमने
उस पे पीछे से वार किया। हाँ तो ये अनुचित है, ये युद्ध है और युद्ध में नियम होते हैं। चाचा जी ने सिखाया था। चाचा से युद्ध नहीं लड़ रहे, हमें ये युद्ध जीतना है। भैया देखो वो पहाड़ी की ओर भाग रहे हैं। तुम्हें उन्हें भागने से रोकना था विद्युन। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई, बहुत बड़ी भूल, किंतु मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या करने जा रहे हो? सैनिकों मेरे साथ चलो। नहीं नहीं रुक जाओ विद्युन, हम इंद्र का शिकार करेंगे। वो दुष्ट असुर हम पे हावी हो रहा है। दुष्ट तो वो है ही, परंतु साहसी भी है। किंतु घायल हुए शत्रु पर वार करना नियम के विरुद्ध है। कौन कहता है हम घायल हैं? हम तो अपने पैरों पर खड़े हैं। इंद्र, हम हार गए हैं। अब कोई हमारी सहायता नहीं कर सकता। हम अकेले हैं और विजय असंभव। निराश मत हो। कैसे ना हो, आप आसपास देख रहे हैं। तुम्हारा समय समाप्त हुआ इंद्र। हम पे विजय पाना इतना सरल नहीं बालक, लेकिन ये उतना कठिन भी नहीं। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सहायता अर्थात हम सुरक्षित हैं। ये नंदी और प्रणाम इंद्र, अग्नि, आहा, नगाड़ा अच्छा है, किंतु इन दिनों वाद्य अच्छे नहीं बनते। ये देखो, महाराज अभी अभी सूचना मिली है कि देवताओं की आधी सेना नष्ट हो गई है, किंतु बचे हुए देव पर्वत माला की ओर बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही पहुंच से बाहर हो जाएंगे। हमें शीघ्र ही उन्हें पकड़ लेना चाहिए, विजय सुनिश्चित है। भैया विद्युन इंद्र का पीछा करते हुए पहाड़ी की ओर चला गया, उसने मेरी एक न सुनी। महाराज देव सेना पुनः सशक्त हो रही है, उनकी सहायता नंदी कर रहे हैं, अब हम क्या करें? तुम्हारी कुटिल माया इस त्रिशूल का सामना नहीं कर सकती। हार मान लो मूर्ख। हार मान लूं? कभी नहीं, मैं तुझे ललकारता हूं नंदी। बहुत भारी पड़ेगा। क्षमा करना भाइयों, तुम्हारा भाई और उसकी सेना परास्त हो गए हैं। इस युद्ध को समाप्त करो इसी क्षण। तुम अंदर कैसे आए? हो कौन तुम? एक शुभचिंतक। इस सब का कारण तुम हो, तुम ही ने असुरों के मन में विष घोला। यही तो तुम्हारी भूल है माया। क्या तुम्हें सचमुच ये लगता है कि मैंने कुछ ही समय में उनके विचार बदल दिए, जबकि तुम यही प्रयास कई वर्षों से कर रहे हो? ये असुर हैं। मैं भी तो हूँ। तब तो तुम्हें उन्हें मुझसे अधिक जानना चाहिए। जो वो कर रहे हैं वो अनुचित है। किसके मापदंड से? देवों के? सर्वोपरि सिद्धांत से। उसी सर्वोपरि सिद्धांत के अनुसार जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है और उसे अपने धर्म का निर्वाह करना ही होगा। हाँ, क्या तुम इस युद्ध को उचित ठहरा रहे हो? ना 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 ना, कदापि नहीं, कदापि नहीं। किंतु क्या ये दुर्बल निर्बल योद्धा कुछ और करने में सक्षम है? तुमने उन्हें बदलने का प्रयास किया था ना माया, क्या हुआ? उन्हें ऐसा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन वे कुछ और कर ही नहीं सकते, दुर्बल हैं। यहाँ से वे मेरे अपने हैं। सो तो हैं,
किंतु तुम सशक्त हो, महाबली हो, दूरदृष्टा हो। तुम्हें उनका नेतृत्व करना चाहिए था, तब उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाता। मैं उन्हें कभी युद्ध करने ही नहीं देता। और वो तुम्हारी बात मानते। अब बहुत विलंब हो चुका है। अब भी समय है मित्र, असुरों का मार्गदर्शन करो, उन्हें इस युद्ध से निकालो, उनका नेतृत्व करो, उन्हें वो त्रिपुरा दो जो वो अपने हट के कारण खो देने वाले हैं। फिर तुम उन्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकते हो और वो तुम्हारी बात मानेंगे। दुर्बल मनों को प्रबल इच्छा शक्ति वालों की आवश्यकता होती है और तुम में वो गुण है माया। और एक बात थी, विद्युन्मली नहीं रहा, उसे परलोक पहुंचा दिया शिव के महायोद्धा नंदी ने। शिव, मार्गदर्शन कीजिए। क्या तुम्हें सचमुच ये लगता है कि तुम्हारी ये श्रद्धा तुम्हारी और त्रिपुरा की रक्षा करेगी? ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो स्वयं की करते हैं। वो बालक अब नहीं रहा, मूर्ख और उतावला था वो, किंतु तुम उससे प्रेम करते थे। वो तो सदैव तुम में अपने पिता को खोजता रहा, किंतु कभी पा ना सका। माया चाचा, चाचा जी, चाचा जी, एक दुखद समाचार है। विद्युन, उसे मेरे पास लाओ। किंतु अभी। वो शोकग्रस्त है, उनका भाई जो नहीं रहा। संभवतः इससे ये युद्ध समाप्त हो। ये भी तो हो सकता है कि बिछड़ने की पीड़ा प्रतिशोध में बदल जाए। ये क्या हो रहा है भैया? मैं नहीं जानता चाचा जी, कृपया इस समय हमें छोड़कर मत जाइए, दया कीजिए। भैया देखिए, ये संकेत अच्छा नहीं है, है ना? मुझे क्षमा कर दो भाइयों, आपको मेरी बहुत याद आई होगी ना? हाँ? ये भी कोई पूछने की बात है? विद्युन, आहा, अब तो बड़े नगाड़े बजेंगे। इसका अर्थ एक नई विपत्ति। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक पुत्र की भांति मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं विजयी हो जाऊं। कृपया मुझे आज्ञा दीजिए पिताजी। हाँ, अवश्य आशीर्वाद अवश्य दूंगा, मैंने सदैव तुम्हारी कुशलता चाही है। अब मुझे आभास हो रहा है कि तुम्हारी भलाई इसी में है। शेष जल से घायलों का उपचार करो एवं युद्ध की तैयारी करो। वो युद्ध करेंगे। इस बार हम उनके क्षेत्र में नहीं जाएंगे, उन्हें हमारी सीमा में आने दो। ये अकेला कौन चला रहा है? माया? नमस्ते माया। नमस्ते माया। तुम सशस्त्र होकर आए हो? आपसे अनुरोध करने कि आप त्रिपुरा से चले जाइए। हम स्वयं भी यही चाहते हैं माया। यही चाहते हैं क्या? इसीलिए आपने इस गुप्तचर को
हमारे बीच भेजा। सप्ता? हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें तुम पर विश्वास करना चाहिए था, किंतु स्थितियां हमारे वश से बाहर हो गई थी। सत्य कहा आपने, इसका आरंभ आपके भजन। ये सत्य नहीं है। जब आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो मैं आप पर विश्वास कैसे कर लूं? मैं कैसे स्वीकार कर लूं कि आपके देव मेरी कृति से ईर्ष्या नहीं करते? किंतु ये सत्य है माया, तुम्हारे शिष्यों ने तुम्हें धोखा दिया है। शांत, विद्युन्मणि, ये जीवित है। सत्य कहा। अपनी ईर्ष्या को उचित ठहराने के लिए झूठ बोलना बंद करो। तुम इस ब्रह्मांड पर शासन करने योग्य नहीं हो, हमारा भाई तुमसे अधिक शक्तिशाली है। युद्ध में सहायता के लिए शिव के बैल को बुलाने की क्या जरूरत थी इंद्र? तुम्हें जीवित होने के लिए चाचा की आवश्यकता नहीं पड़ी? आक्रमण के लिए तैयार। मैंने कहा था ना यही होगा। देव देखिए, असुर सेना। हे ब्रह्मा, ये तो शस्त्रों से सुसज्जित है। ये उचित अवसर है, आक्रमण। असुर सेना तैयार है। युद्ध में भाग नहीं लेना चाहिए था माया, तुमने बहुत बड़ी भूल की। यदि तुम इनका साथ इसकी बात ना देते, बताइए पिताजी, तो ये तीनों भाई परास्त हो जाते। किंतु त्रिपुरा तब तक भगवान शिव की सुरक्षा में रहता जब तक किसी एक में भी सच्ची आस्था रहती। पर अब बहुत विलंब। कतई विलंब नहीं हुआ है, बाहर कीजिए। इसकी बातें मत सुनिए चाचा जी। ये मैं क्या कर रहा हूँ, किसका बचाव कर रहा हूँ मैं? अपनी प्रजा का, अपनी कृति का, अथवा अपने दंभ का? मुझे ये सब समाप्त कर देना चाहिए। अब सारा दायित्व हम पर है। दूसरी योजना। उनके पीछे जाने से कोई लाभ नहीं, वो कदापि नहीं लौटेंगे। हार मान लो और चले जाओ। हार मान ले, हम युद्ध करते हुए मरेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। हमसे कहा गया था ये नगर अनश्वर है, अब हम क्यों जाएं? काका, मैं कब से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, संकट टलते ही हम सब लौट आएंगे। लौटना असंभव है, बहुत विलंब हो चुका। त्रिपुरा की रक्षा करो। त्रिपुरा इन दीवारों से नहीं, आपसे है। ये नगर आपके लिए बनाए गए थे, इसी समय यहाँ से चले जाओ। अपने शिष्यों की रक्षा करो। मैं तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बनाता हूँ, जिसके द्वारा मैं तुम्हें शीघ्र ही यहाँ से निकाल दूंगा। शीघ्र निकलिए, दूसरे नगरों को भी सहायता की आवश्यकता है। अब विलंब क्यों पर? ये चक्र पूरा हो चुका है। अब समय आ गया है रौद्र रूप धारण करने का, दुष्टों का संहार करने का। पशुओं के देव पशुपति।
अपने विमान यहाँ से शीघ्र निकालिए। तैयार। प्रणाम माया। समय बहुत कम है, मुझे शीघ्र जाना होगा। जाना नहीं चाहता। मैं भी नहीं। साथियों, माया की सहायता करें। और विलंब नहीं कर सकता, मुझे उन्हें इसी समय निकाल देना चाहिए। इसी समय। राजा विद्युन्मली, हम गिर चुके हैं। मेरे भाई आज मरेंगे तो साथ में, किंतु पहले उन्हें भस्म तो होते देख लें। इस युद्ध का अंत करो राजकुमारों, तुम्हारी पराजय हो चुकी है। उसकी भूल है। इस बार मैं जीतने नहीं दूंगा। वो हमें पहाड़ी की ओर जाने से रोक रहे हैं। हम फंस गए हैं। ये ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। ये सब क्यों कर रहे हैं? किस लिए? हम नहीं बचेंगे। सत्यानाश हो इस युद्ध का। माया कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो रहे। मुझे उन्हें निकालना ही होगा। शिव शिव शंकर हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर शिव शिव शंकर हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर।
तुम्हें सच में इनकी रक्षा करनी है? क्या ये तुम्हें इतने प्यारे हैं? शब्दों का अभाव तो तुम में है ही, अब शक्ति का अभाव भी है। देर हो रही है, हमें चलना चाहिए माया। संभव नहीं, मुझे उन्हें रोकना होगा। उचित निर्णय, उन्होंने देवों को बंदी बनाया है। प्रणाम माया। इसे छूटने नहीं दे सकता, जब तक वो बाण यहाँ नहीं पहुंच जाता उसे संभालना होगा। विलंब मत कीजिए महायोगी शिव, शीघ्र कीजिए। इस बार वो भस्म होकर रहेंगे। मुझसे नहीं हो रहा, मुझ में अब और शक्ति नहीं बची, केवल कुछ समय और। अब ये विलंब क्यों? भस्म कर दो हमें ओ विनाशक, भस्म कर दो। हम भले ही परास्त हुए हों, किंतु तुम भी विजयी नहीं हो पाओगे। तुम सब हमारे साथ भस्म हो जाओगे। तुम्हारा राज समाप्त हुआ, त्रिपुरा के साथ तुम भी भस्म हो जाओगे। ये महामूर्खता है, तुम्हारी सेना का क्या होगा? वो तो सदैव हमारे लिए मरने को इच्छुक है। अब समय आ गया है साथ मरने का। बसमोने का आनंद लो। बहुत अच्छे भैया, आप सबसे श्रेष्ठ हो भैया।
हाथ और सेना, चलो हमारे साथ शीघ्र यहाँ से बाहर निकलो। मैं जानता हूँ माया को, उसने अवश्य तुम्हारे परिवार और संतानों को सुरक्षित कहीं पहुँचा दिया होगा। चलो। दीजिए देव, मैं अपने कृत्य और अपने बच्चों के साथ आपकी शरण में आ जाऊं। माया चाचा, अपमानित किया, मेरी कृति सुख शांति और समृद्धि नहीं ला सकी। नहीं माया, तुम असफल नहीं हुए। तुम्हारी भावनाएं पवित्र थीं। कभी कभी कृति उतनी उत्तम नहीं बन पाती जितनी रचनाकार चाहता है। ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है। ब्रह्मा जी से पूछो, जाओ और पुनः प्रयास करो मेरे लिए। इस बार पूरे ब्रह्मांड की भलाई के शिल्पकार बनो। और माया, स्मरण रहे, जो भी उत्पन्न या नष्ट होता है मुझ में ही समा जाता है, इसलिए दुखी मत हो। आप धन्य है महाप्रभु, आप धन्य है प्रभु, आप धन्य है प्रभु। कितनी दुख भरी अंध है ये, क्या लोग इससे कुछ सीखेंगे, क्या शिक्षा लेंगे इससे? यही कि युद्ध मूर्खता है, विनाश है, अंत में जीत किसी की भी नहीं होती। ओ देव, आपने क्या खोया? क्या? हम समस्त ब्रह्मांड ही खो देते बौना। हमने कई जीवन खो दिए, सैकड़ों की मात्रा में। असुरों का जीवन भी कम मूल्यवान नहीं। इस सृष्टि को चलाने के लिए मिलजुल कर रहना आवश्यक है, परंतु आसुरी प्रवृत्तियों के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं। जैसे लोभ और दंभ, इन पर नियंत्रण आवश्यक है, हमारे लिए भी। बहुत अच्छे देवराज, मुझे भूल तो नहीं गए? स्वामी मोहिन, प्रणाम। स्वामी, आपको भी प्रणाम देव।
बधाई हो आपको असुरों पर इस अद्भुत विजय पर। स्वामी मोहन, कृपया सभी देवों की ओर से हमारा धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आपका धन्यवाद अति उत्तम पुरस्कार है इस निर्बल साधु के लिए। आपको अब भी स्मरण है? मैं नहीं भूलता। अब मुझे चलना चाहिए, किंतु मैं जाऊं कहां? प्रिय स्वामी, इस बार आप विशाल रण की ओर प्रस्थान कीजिए। जैसे आपकी आज्ञा। पुनः भेंट होगी इंद्र। मैं चलता हूं निरर्थक भटकने, रण की वायु और रेत को उपदेश देने। संभवतः एक दिन त्रिपुरा जैसा एक और राज्य उठेगा, ब्रह्मांड की नींव को डगमगा देगा। तब मैं फिर आऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम। I'm not afraid.